अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सोच सोच के मंगवाने वाला पार्सल, जो कि मैंने बहुत सोचा कि मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा और मेरी बहुत मदद होगी इसके ज़रिए। तो जो काम मुझे नहीं आता है मैं इससे कर लूँगी। हर पार्सल हमने ऑर्डर किया काफ़ी सोचने के बाद और हमें रिसीव भी हो गया है। चेक करते हैं कि कैसा है। तो सबसे पहले था ये इसके अंदर एक सिंपल वाला नेल फाइलर, जो कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये भी साथ में ऑर्डर कर लिया था। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं, बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का है। तो इस तरह से कुछ ये नेल फाइलर है। इसके एक साइड पे ये कटर बना हुआ है और दूसरी साइड पे ये नेल फाइलर है। डबल दोनों साइड पे नेल फाइलर बना हुआ है। अच्छा नेल फाइलर था। खैर बाकी तो हम इसे जब यूज़ करेंगे ज़्यादा तब पता चलेगा। तो इसको करते हैं साइड पे और अपनी मेन चीज़ की तरफ चलते हैं। तो मेन था हमारा ये वाली मशीन, जिसकी पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है। ये बबल वाले रैप से जो है वो इसे अच्छे से जो है वो पैक किया गया है। तो फटाफट से हम जो है इसे खोल लेते हैं। रैपर हमने उतार लिया और सबसे ज़्यादा मज़ा तो इस रैपर के बबल्स फोड़ने में आता है। उसके बाद यह हमारी मशीन, जिसका नाम है जी फेस एंड बॉडी हेयर थ्रेडिंग मशीन है। ये छोटी सी प्लास्टिक की मशीन है। इस तरह से ये इसकी कुछ पैकिंग की गई है। तो इसे निकाल के देखते हैं बाहर कि ये किस तरह की है, या इसकी पैकिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से हमें मिला है या कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो इसे देखने के बाद मुझे लगा कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा धागे होते हैं वो नहीं हैं। खैर ये थी इसकी कॉपी जो कि निकली थी अंदर से। इस पे सारा इसका जो है वो दिया गया है, इसको अपने इस्तेमाल कैसे करना है, धागा टूट जाए तो वो कैसे करना है। तो गाइस ये है मशीन जो कि जिस तरह से पैक थी, और एक्स्ट्रा धागों वाली जो डब्बी थी वो भी इसके अंदर ही रख के जो है वो पैक की गई थी। शायद टूटने वगैरह के डर से इस तरह से इसे पैक किया गया था। उसकी जगह खाली थी जहाँ पे उसे फिक्स होना चाहिए था, जिसे देख के मुझे लगा कि शायद ये धागे अंदर नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरह से थी इसके अंदर। इसके ये डब्बी मुझे सबसे ज़्यादा तो ये मज़े की लगी, इसके अंदर कुछ धागे इस तरह से सेट किए गए। काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें धागों की मकदार दी गई है लगाने के लिए मशीन के अंदर। एक धागा जो है वो मशीन के अंदर लगा हुआ है। ये देखिए इस तरह ये प्रेस होती है, देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और अब ये काम करेगी कि नहीं, ये सबसे पहले हम अपने बाजू पे जो है वो चेक करते हैं। तो इतने ज़्यादा बवाल नहीं है मेरे बाजू पे, और वो भी कैमरे में नज़र नहीं आ रहे हैं जो हैं, क्योंकि लास्ट मैंने वैक्सिंग की थी तो बहुत कम बाल थे मेरे बाजू पे। तो अभी तो ये देखिए एक बाल भी जो है इसके अंदर नहीं आ रहा है। ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है और इसने कोई भी काम नहीं किया। मेरे बाजू पे एक बाल भी नहीं टूटा। तो मुझे लगा कि शायद जो है इसका धागा जो है वो लूज़ है। तो हमने कॉपी निकाली है और इस पे से देखेंगे कि इसका धागा जो है दोबारा से हम खुद से जो है वो इसके अंदर एडजस्ट करेंगे निकाल के एक दफ़ा, और थोड़ा सा इससे मज़ीद जो है वो टाइट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मुश्किल था लेकिन हैर हो गया आसानी से। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो इसका ये वाला जो मोती है ये निकालना मुश्किल है एक साइड से। जब एक साइड से निकल जाता है तो इजी है। इसको हमने घुमा घुमा के निकाल ही लिया। खैर मुश्किल काम था और लंबा थोड़ा सा। फटाफट से इसे निकाल लेंगे। ये देखिए सारा धागा जो है वो हमने मशीन के अंदर से निकाला है, और दोबारा से इस धागे को जो है वो एडजस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा फार्मूला जो है वो काम आता है कि नहीं। इस तरह से आपने इसे कुछ एडजस्ट करना है बिल्कुल आराम से, देखते जाएँ। ये देखिए यहाँ तक हमने इसे एडजस्ट किया है। अब बारी है इसके ऊपर इसे लपेटने की। एक साइड को दूसरी साइड के ऊपर हमने अच्छे से जो है वो लपेट लेना है। और मुझे जो है वो धागे से थ्रेडिंग करना बिल्कुल नहीं आता है, शायद इसलिए मुझे काफ़ी जो है वो मुश्किल लग रहा था। मशीन से भी मेरे से अच्छे से हो नहीं रहा था। खैर दोबारा से धागा लगा लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये काम करेगी मशीन, या फिर हमारे पैसे जो हैं वो ज़ाया जाएंगे इसे ऑर्डर करने के। काफ़ी देर जो है वो मैंने इसे लग किया, इस तरह से चेक किया, मुझे फिर भी लूज़ लग रहा था दोबारा से। तो फिर मैंने थोड़े से और इस पर जो है ना वो इसे लपेट लिया था धागे को दूसरी साइड को, कि अच्छे से जो है वो एक दफ़ा मैं इसे टाइट करूं और ताकि ये फिर से लूज़ ना हो। टाइट करने के बाद इसे ये मोती लगाना काफ़ी मुश्किल था, जो कि लग नहीं रहा था क्योंकि धागे को वहाँ तक पहुँचाना खींच के थोड़ा सा मुश्किल था। तो खैर हमने पूरी अपना ज़ोर लगाया है और इसे जो है इस तरह से इसका धागा जो है वो अंदर एडजस्ट कर लिया है। फिर बड़ा ही ज़ोर लगा इसको एडजस्ट करने में। ये देखिए थोड़ा सा धागा जो है मज़ीद हमारा जो है वो टाइट हो गया है। तो गाइस इसे टाइट करने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपने नहीं बल्कि किसी और के बाजू पे इसे ट्राई करना चाहिए। तो मैंने अपने कज़न को बुलाया जिसके बाजू पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाल थे, तो उस पर हम ट्राई करेंगे। तो हम इसे गलत डायरेक्शन में यूज़ कर रहे थे। हर इस तरह से भी यूज़ हो रही थी, अब तो काफ़ी टाइट हो गया था धागा। लेकिन सही तरीका इसका ये बैक साइड से जो है इस तरह से यूज़ करने से, बैक साइड जो है आपने इस तरह से इसे यूज़ करना है।
ऐसे तो काफ़ी अच्छा इसने काम किया, काफ़ी मैं इम्प्रेस हुई इस मशीन से। 100% मैं अगर इसे मार्क्स दूँ तो वो भी ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छा इस मशीन ने काम किया था। ये देखिए फटाफट से इतनी ज़्यादा जगह जो है इसने साफ़ कर दी थी बाजू की, और बैक साइड से अगर आप इसे इस तरह से यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा काम करेगी, जबकि फ्रंट साइड से ये इतना काम नहीं करती है, बैक साइड से ज़्यादा अच्छे से काम करती है। खैर मेरी तो उम्मीदों पर अभी तक ये मशीन पूरी उतरी है। आप में से किसी ने यूज़ किया तो लाजमी बताइएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस मशीन के साथ। तो गाइज़ अगर कोई इस डर से मेरी तरह मशीन नहीं मंगवा रहा कि हमारे पैसे ज़ाया जाएंगे, पता नहीं ये काम करेगी कि नहीं, तो आप मंगवा सकते हैं, बहुत अच्छी मशीन है, बहुत अच्छा काम करती है। खैर यहीं तक थी हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।